अंदर खाने से खबर ये आई कि राज्य स्तर पर सीटों का बंटवारा तय किया जाएगा, तो मतलब क्या हम ये माने अखिलेश यादव डिसाइड करेंगे कांग्रेस को कितनी देनी है? वही तो है ना, राज्य वो स्तर अपने पास कितनी रखेंगे, ममता बनर्जी तय करेंगी या उद्धव और शरद पवार तय करेंगे? विपक्षी गठबंधन तब प्रभावी होगा वो न केवल इन 28 दलों को अपने साथ ले, बल्कि जो दल छूट गए हैं, जिन्होंने अपनी वफादारी घोषित नहीं की है, अपना पक्ष नहीं घोषित किया है, उनको उनसे कौन बातचीत कर रहा है? कोई मायावती से बातचीत कर रहा है? वो छोटी छोटी पार्टियां जिनकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस हार गई, से कोई बात हो रही है? छोटी छोटी पार्टियां इनकी वजह से कांग्रेस हार गई है, जो आदिवासी इलाकों में इन्होंने बड़े वोट खाए, भाजपा के भी वोट खाए, कांग्रेस के भी वोट खाए, जो भाजपा में भी जाने को तैयार नहीं है। और भाजपा जो आपने ये बात कही थी पहले कि भाजपा जो सेंधमारी कर लेती है विपक्षी खेमे में, विपक्ष कुछ सेंधमारी करेगा? हनुमान बेनीवाल जैसे बहुत अपने आप में नाम सामने आता है। इस तरह की बहुत सी प्रभावी शक्तियां जिन्होंने बार बार जमीन पर अपनी ताकत साबित की है, जो चुनाव पर असर डालती हैं, भले ही उनका बहुत राष्ट्रीय किस्म का चेहरा ना हो, इन 28 लोगों के साथ मौजूद ना हो, उनको अपने आगोश में लेने के लिए इनके पास क्या विधियां हैं, क्या युक्तियां हैं, ये कुछ भी साफ होके नहीं आ रहा। तो मतलब मुलाकात हुई, क्या बात हुई और वो बात आगे बढ़ी क्या? असल सवाल देखिए, 108 दिन इन लोगों ने बर्बाद कर दिए, अक्षम्य अपराध किया है। अगर विपक्षी एकता का कोई इंडेक्स बनना है तो ये 108 दिन बर्बाद हुए हैं इसकी भरपाई करने के लिए। इसको आप फास्ट ट्रैक कहते हैं, इन्हें अपनी गतिविधियां सुपर फास्ट ट्रैक करनी चाहिए। अगर नहीं करनी चाहिए, जो महेश जी जो बात कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं फिर तो। ठीक है, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, आप रीबट करना चाह रहे हैं चरण सिंह सापरा। अभय दुबे कह रहे हैं अक्षम्य अपराध किया है, 108 दिन गवा दिए। नहीं देखिए, अभय दुबे जी की जो चिंता है वो हमारे पास भी, हमारे मन में भी वो चिंता थी, इसीलिए तो वो अलायंस की एक कमेटी बनाई गई जिसमें वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय अशोक गहलोत जी हैं, भूपेश बघेल जी हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, मोहन प्रकाश जी हैं, तो ये सलमान खुर्शीद जी हैं, तो ये तमाम सारे जो 5 बड़े नेता हैं ये यही काम करेंगे ना। जिस तरह से अभय दुबे जी ने कहा कि भाई छोटी पार्टियां, जैसे राजस्थान की पार्टी का उल्लेख किया, ऐसे अन्य राज्यों में और भी छोटी तो पार्टियां देखते हैं। तो अभी जो ये तेजी आई है, ये तेजी और तेजी में तब्दील होती है, वो कब नॉर्मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, वो वाला खेल भी इंडिया के सामने अभी इनैक्ट होना बाकी है क्या? एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जनता जनार्दन की राय क्या है? विपक्षी गठबंधन कोई शक्ल अख्तियार कर भी रहा है क्या? प्रधानमंत्री का कोई चेहरा देना चाहिए क्या? अपनी राय हमसे आप साझा कर रहे हैं लगातार, वो आपके साथ साझा करूंगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।